प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डॉलीगंज पुल पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे दो कश्मीरी युवकों की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगांव निवासी दो युवक यहां ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये युवक यहां बैठकर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और उनकी पहचान पूछकर उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पिटाई करने वाले युवक वहां से चले गए। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेहद संवेदनहीन भगवाधारी ये युवक जो कश्मीरी छात्र कश्मीरी ये युवक है जिनको जिनकी पिटाई कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के ये लोग ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे। पहले इनसे पहचान पूछी गई कहाँ के रहने वाले हैं और जैसे ही उन्होंने बताया कि हम कश्मीरी हैं उसके बाद वो उनको उनकी पिटाई करने में जुट गए। आपको बता दें कि इससे पहले पुलवामा हमले के बाद देश के कई कोनों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आई थी, जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए थे। तो लखनऊ में दो कश्मीरी युवकों की पिटाई का ये मामला है। कश्मीर जो कल का वाकया है यूपी का, हम काफ़ी मुद्दत से ये देख रहे हैं कि जब से वहाँ आदित्यनाथ की सरकार आई है, जो वहाँ पे वज़ीर आला हैं उनके होते हुए बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। खासकर जो कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या कोई मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो बीफ को लेकर वाकयात हुए, और हर वक्त जब भी हमने आवाज़ उठाई तो वहाँ की सरकार की तरफ से ये एश्योरेंसेस पब्लिकली दी गई कि ऐसे वाकयात फिर से नहीं होंगे। हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का इसका ओके है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अलाउ नहीं करेगी तो ऐसे वाकयात का होना नामुमकिन है। इसलिए हम फिर एक बार इस सरापा एहतजाज हैं कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो लोग वहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और ख़ासकर कश्मीरी लोग वहाँ पर कारोबार या बाकी जो भी किसी सिलसिले में यहाँ पे तलबा जो तालीम परस्यू कर रहे हैं उनकी हिफाजत करना सरकार का फ़र्ज़ है। अदरवाइज़ ये लगता है जो मोदी साहब कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों को चाहते हैं, हमें उनके साथ लगाव, ये सारा गलत लग रहा है और इसके नतज बहुत ही संगीन होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कुछ युवक एक अन्य युवक के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकरण में थाना हसनगंज लखनऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 80/19 अंतर्गत धारा 147, 323, 504 भारतीय दंड संहिता रजिस्टर किया गया है। आरोपी युवकों की शिनाख्त कर उनकी तलाश की जा रही है तथा इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल देर शाम एक यहाँ पर हसन डालीगंज पुल जो है हसनगंज में, यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने एक कश्मीरी युवक को गाली गलौज करते हुए उसको पीटा है। इस संबंध में जब पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई उसके बाद वहाँ पर जैसे कि पता चला वहाँ पर स्थानीय लोगों ने उस युवक को वहाँ पर बचाया था। इसका जो साथी वहाँ पर थाने पर आया उसने ये बताया कि इस तरह की घटना वहाँ पर हुई है, तो उसको उसका कहा गया कि जो आपका पीड़ित साथी है वो कहाँ पर है, तो उसने कहा वो मौके से वहाँ से डर कर भाग गया है। इस संबंध में ही किसी जनता के अलर्ट आदमी ने पुलिस की जो मदद हुई है सोशल मीडिया के जरिए हुई है, जो एक वीडियो उसमें वायरल हुआ, उस वीडियो से पुलिस ने उसकी तुरंत शिनाख्त की। इसकी शिनाख्त जो है बजरंग सोनकर सन ऑफ गुलाब चंद सोनकर, उम्र करीब 35 वर्ष, जो कि डालीगंज क्रॉसिंग पतौरगंज लखनऊ का रहने वाला है, इसके रूप में हुई। त्वरित तीन टीमें बनाई गई और रातों रात इसकी धरपकड़ कर ली गई। अनिरुद्ध कुमार और हिमांशु गर्ग, इनके लिए धरपकड़ जारी है, उम्मीद है हम इनको जल्दी इनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया था, विश्व हिंदू दल ट्रस्ट, ये एक लोकल ट्रस्ट है उस क्षेत्र का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि इनके द्वारा बताया गया 334/18, ये एक लोकल ट्रस्ट इनके द्वारा बनाया गया है, जिसका जो मेन ओनर है एक तरह से अंबुज निगम है। और इसके ये जो जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है, मुकदमा दर्ज है, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार है, शेष की गिरफ्तारी हम जल्दी कर लेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित सिंह, कश्मीरी युवकों की पिटाई का यह मामला है, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? हमारे
अमित, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? आप बताएं कि कश्मीरी छात्रों की, कश्मीरी युवकों की पिटाई का मामला है। महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं, इस मामले में 153A, 307 और 7CLA की धारा बढ़ा दी गई है। एक दर्जन गंभीर मामलों में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बजरंग सोनकर जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तीन अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। विश्व हिंदू दल नाम से एक संगठन बनाकर ये लोग हिंदूवादी विचारधारा फैलाने का काम करते थे और उसी की आड़ में इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है। जिस युवक के साथ मारपीट की गई है, कश्मीरी युवक है, अब्दुल सलाम नायक इसका नाम बताया जा रहा है और सीजनल ये ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम करता है। सर्दियों के समय में ये लखनऊ और आसपास के इलाके में ड्राई फ्रूट्स बेचता है। इसके साथ मारपीट की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है और इसको सरकार ने भी और पुलिस विभाग ने भी बहुत गंभीरता से लिया है। तो तीन अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी हो रही है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, तो आला कमान जो है उन्होंने संज्ञान में ले लिया है, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आता है। लेकिन अमित, इस तरीके की वारदातें अक्सर देखी जा रही हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर क्या कहना है? कहीं से आला कमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, फिलहाल पुलिस ने इस अपराध से जुड़े हुए ही पक्ष को सामने रखा है। सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई अधिकृत इस पर टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि पुलवामा अटैक के बाद जो एडवाइजरी जारी की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा कि कश्मीरी युवकों, कश्मीरी लोगों के खिलाफ माहौल नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देश जो है वो कश्मीर के लोगों के खिलाफ है और आतंकवाद की आड़ में ऐसे लोग जो अपने आप को भगवा राजनीति से जोड़कर देखते हैं उनको कतई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने दी जाएगी। और इस लिहाज से जो एडवाइजरी जारी हुई थी, कम से कम उसका तो कोई फॉलोअप हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है पुलिस। क्योंकि अगर पुलिस गंभीर हो जाए, सरकार गंभीर हो जाए, तो निश्चित रूप से इस तरह की मारपीट की घटनाओं से बचा जा सकेगा और कश्मीरी लोगों को कम से कम उनको ये महसूस होगा कि वो कहीं भी देश के हिस्से में जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अखंड अंग है और उनके लोगों के साथ हम वैसे ही व्यवहार। तो लगता है उनसे संपर्क टूट गया है तकनीकी कारणों की वजह से। फिलहाल आपको बता दें, अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे और आगे भी उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते रहेंगे। आपको बता दें, कश्मीरी युवकों की पिटाई का ये पूरा मामला है। ड्राई फ्रूट बेच रहे थे ये कश्मीरी युवक, कुलगाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ऐसे में भगवाधारी जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही वो भगवादारी लोग हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले पहचान पूछी, उसके बाद उन दोनों युवकों को मारना पीटना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई और की भी गई है। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, बजरंग दल का नेता बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ लोग विश्व हिंदू दल बना रहे थे, उसके बाद उसकी आड़ में इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे थे। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जी शुक्रिया जी। अखिलेश जी, कश्मीरी युवकों की पिटाई का यह मामला है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है और इस मोदी जी के और योगी जी के कार्यकाल में और इनकी सरकार में जिस प्रकार से लोगों ने कानून अपने हाथ में ले रखा है और हमारी भारत की जो संस्कृति सभ्यता और अखंडता है उसके लिहाज से भी ये लोग खतरा हैं। इन लोगों पर तुरंत गिरफ्तार करके NSA लगाया जाना चाहिए। अभी तक सूचनाएं जो मिली है कि सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल वो भी आपराधिक छवि का है। बिल्कुल, बाकी क्यों लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और उन पर धाराएं NSA लगनी चाहिए। और ये देखा जा रहा है कि सरकार की हुकूमत में कुछ लोग जो एक विशेष वस्त्र, गिरुआ वस्त्र जिसे कहते हैं, जो बड़ा पवित्र वस्त्र है भाई, जिसको हर कोई सम्मान से देखता है, उसको धारण करके और आसुरों जैसी कृत्य करते हैं। बिल्कुल, तो जो लोग ऐसे पवित्र वस्त्र को धारण करके और आसुरों जैसी कार्य कर रहे हैं उससे तो और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो कश्मीर के लोग या कश्मीर, ये सब भारत का अभिन्न अंग है, सब हमारे परिवार हैं, पूरा देश हमारा परिवार है, चाहे जिस जात धर्म का रहता हो।
इस तरह से गुंडाई करने की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए जी। इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इसका संदेश पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में जाए, इससे देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारी छवि पे आंच पड़ती है। बिल्कुल अखिलेश जी, ये भी जब सरकार से उनके पक्ष में खड़ी है, सरकार जिस प्रकार से अभी तक का ढिलाई बरत रही है और इतनी त्वरित और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार ने अभी तक नहीं किया, इसे दाल में जरूर कुछ कारा लगता है जी। अखिलेश जी, वो भी जब जब गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी इसके खिलाफ जारी कर दिया उसके बाद भी इस तरीके के जो संगठन होते हैं वो सामने आते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। नहीं, सत्ता का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है, इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यानी ये मैसेज यही है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, अगर सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त है तो दिखावे पकड़ करके पब्लिक में उनका पूरा जो भी हिस्ट्री है वो उजागर करें, उन पे एनएसए लगाएं, सख्त कार्रवाई करें, उनकी पिटाई करें, जो भी हो सकता है कानूनी तौर पे, और ऐसी धाराएं लगाएं कि पूरी जिंदगी याद रखें और दूसरे लोग सबक सीखें। बिल्कुल अखिलेश जी। अखिलेश जी, कांग्रेस की तरफ से क्या स्टैंड लिया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर? मैंने जो बोला है वही तो कांग्रेस का स्टैंड है। आप तो कांग्रेस का स्टैंड ही तो हमसे पूछ रहे हैं ना जी। यही स्टैंड है कि तत्काल इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, एनएसए लगाया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए और ऐसा संदेश दिया जाए कि ऐसे लोगों को मनोबल ना बढ़े। मनोबल बढ़ा के रखा है मोदी जी और योगी जी की सरकार ने, ऐसे लोगों का कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर कार्रवाई कभी दबाव में जनता के विपक्ष हो जाती है, आप मीडिया वालों के दबाव में, तो बीजेपी के लोग उनके साथ खड़े मिलते हैं, कोई कहता है इनका मुकदमा लड़ेंगे, कोई उनका स्वागत करता है, कोई उनका सम्मानित करता है और बीजेपी के लोगों पे कार्रवाइयां नहीं होती है। ये सब मिली भगत है, इस मिली भगत के खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। आप लोग इस आवाज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आप लोगों का भी स्वागत और धन्यवाद है। ऐसी शक्तियों को दबा के रखा जाना चाहिए, हर व्यक्ति हर जिम्मेदार नागरिक इस देश में जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन अखिलेश जी, जब से ये कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से कश्मीरी छात्रों की और कश्मीरी युवकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुई है सरकार और ये एडवाइजरी भी जारी की गई है, लेकिन इस तरीके के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता? ये सिर्फ बोलती है बीजेपी की सरकार, चाहे लिंचिंग का हो चाहे ये मामला हो, सिर्फ बोलती है, ये करती कुछ नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक सारे लोग क्यों नहीं अरेस्ट हुए? किसको बचा रही है सरकार? मुजफ्फरपुर की घटना को देखा ही आपने जी। ये सब मिली भगत है इनकी, इन्हीं के बढ़ाए हुए हौसले हैं इन अपराधियों के हौसले क्यों बढ़ा रही है बीजेपी की सरकार।